हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज है मेरा बर्थडे और छोटी सी घर में पार्टी थी और हम ही लोगों ने आपस में बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था वैसे तो प्लानिंग हमेशा ही बाहर जाने की रहती है लेकिन लास्टली फिर डिसाइड हुआ कि चलो घर में ही कट कर लेते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी पानी वानी बरस रहा था और छोटे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल किसी बात का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक वगैरह ये लोग निकालने लग गई थी साथ में भाभी लोग दोनों की दोनों थी अभी समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा शाम का शायद सात या साढ़े सात इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वैसे भी सर्दियों में जल्दी समय आ, मतलब होने लगता है तो यही सोच रहे थे कि जल्दी से केक कट हो जाए और फिर खाना पीना जो है वो स्टार्ट हो जाए क्योंकि घर पे ही खाने पीने की व्यवस्था थी ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था और ये तो मेरे हस्बैंड की खुशी थी उन्हीं ने इस पार्टी का अरेंजमेंट किया था सब कुछ उन्हीं ने किया था यहाँ तक कि खाने में भी पूरा पूरा सपोर्ट दिया था उन्होंने पूरा मतलब हेल्प की थी दिन भर वो काम में लगे रहे इधर उधर भागा दौड़ी उनकी चलती रही हम लोग अपने घर में चाहे छोटा फंक्शन रखें चाहे बड़ा रखें लेकिन जो प्रिपरेशन होती है वो तो हमें अच्छे से करनी ही होती है और यहाँ पर ये सभी लोग लग गए थे मतलब अपने अपने कामों में अपनी अपनी तैयारियों में वैसे तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था कुछ भी करने के लिए नहीं रह गया था और ऐसा कुछ खास साज सजावट करनी नहीं थी घर पे ही सिंपल सी और सोबर सी पार्टी थी गाइस और यहाँ पर मेरी जो सबसे बड़ी नंद है इनको एटा मोमेंट फ़ोन करके बुलाया गया था और इनको कुछ भी नहीं पता था तो ये वही शिकायत कर रही थी कि पहले से कुछ नहीं बताया और लास्ट में हमने इनको फ़ोन करा था कि, कि दीदी हमारे घर में अर्जेंट काम है आप जैसे बैठे हो वैसे चले आओ मैंने इनको नहीं बताया था कि मेरा बर्थडे है और सीधे मैंने इनको बुला लिया था और ये थोड़ा बहुत गु़स्सा भी हुई फिर मैंने इनको मना ही लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे वैसे भी मेरे पास एक इस टाइप की ड्रेस पहले भी थी लेकिन इसमें ये था कि ये फ्रिल ज़्यादा लगी हुई थी तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी और कलर भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्रेस कैसी है और मैं कैसी लग रही थी और यहाँ पर ये मेरा जो भाई है ये थोड़ा सा गिफ्ट के लिए पता नहीं कुछ बोले जा रहा था कि मैं गिफ्ट लेके जो आया हूँ उसके बारे में बात चल रही थी और यहाँ पर गाइस सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन लास्टली कुछ ऐसा हुआ जिसकी तो मैं कभी सोच अच्छी नहीं सकती आज तक मेरा जो बर्थडे है कभी भी इस तरीके से मना नहीं होगा हमेशा खुशी से ही मना होगा आप देख सकते हैं मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ और जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर कुछ ऐसा हो गया था जो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था कि पूरे बर्थडे का जो मज़ा है वो किरकिरा हो गया था मैं इतनी खुश थी मेरे पति बहुत खुश थे हम सब लोग मेरे भाई हम सब लोग बहुत खुश थे लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि जो सोच ही नहीं सकते हैं कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों में ग्रहण लग ही जाता है चाहे वो किसी की भी वजह से हो तो ऐसा ही कुछ हुआ और मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि घर की बात है तो उसको ज़्यादा पब्लिकली करना अच्छा नहीं है इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरा जो बर्थडे था इतना बेकार हुआ कि जैसा सोच रहे थे मेरे हस्बैंड ने जैसी तैयारी की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई थी आप देख सकते हैं केक वगैरह भी सारा खराब है सब कुछ खराब है सबके मूड खराब हैं लेकिन जब पति ने इतनी तैयारी की थी तो उसको रिज़ल्ट तक तो पहुंचाना ही था फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे तैसे जो भी हुआ वो आप लोग देख ही रहे हैं कि एक दूसरे को केक वग़ैरह खिलाया गया और उतनी मतलब सारा जो कहते हैं ना तैयारी उस पर पानी फिर गया था सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता आप केक देख के ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था कि दिमाग बिल्कुल ख़राब सा हो गया था और सारी चीज़ें ही खराब हो गई थी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं फिर भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए और उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया था वो भी बहुत अच्छा था बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी पायलें और बहुत ही सुंदर थी बहुत ही खूबसूरत थी जो भी कुछ हुआ लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो सुबह से लेके शाम तक लगे रहे और लास्ट तक उनने मतलब मुझे खुश करने की ही कोशिश की और यहाँ पर फिर मैं सब कुछ भूल के फिर खुश हो गई थी कि चलो ठीक है हटाओ ये हो जाता है कभी कभी तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो वगैरह क्लिक होने लग गई थी और फिर से सब लोग उसी माहौल में आ गए थे सब लोग बहुत खुश हो गए थे और फिर यहाँ फिर मैं भी थोड़ा सा मतलब मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा था लेकिन मैं सब कुछ भूल के फिर इन लोगों की वजह से मैं भी खुश हो गई थी और यहाँ आप देख सकते हैं कि अरावी जो है वो टकली हो चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रही थी और वैसे सर्दियों में बच्चों को टकला कराना सही नहीं रहता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा लगती है लेकिन उसको मेरे भाई की छुट्टी थी तो उसको थोड़ा सा समय मिल गया था तो उसको टकला करा के ले आया था मैंने कहा कम से कम बर्थडे तो मना ही लेने देता उसके बाद टकला करा देता तो गायज यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फी सब लोगों ने एक दूसरे के लिए और फोटो सेशन हो गया था और यहाँ सबसे खूबसूरत गिफ्ट था वो मेरे भाई का था और वाकई में मेरे जो भाई हैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर चीज़ मेरे बोलने से पहले ही ला के रख देते हैं और ये फैक्ट था और ये जो गिफ्ट था गायज इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा स्पेशल था तो इसलिए फिर मेरा भाई बोलने लग गया था कि इसको अभी खोल लो मतलब ओपन कर लो और देख लो कि तुम्हें पसंद आया कि नहीं तो मैं उसी की खुशी के लिए इसको ओपन करने लग गई थी वैसे तो मैं आराम से खोलना चाहती थी और जब देखा ना तो ये बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सा ट्राईपॉट था और वाकई में ये मेरी एक ज़रूरत का सामान था जैसे कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती ही रहती हूँ और ये बिल्कुल ही अलग है गाइस बिल्कुल ही अलग है ट्राईपॉट और बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं इसके साथ छोटा सा रिमोट है और ब्लूटूथ वाला ये है और जब भी वीडियो बनाऊँगी Okay. तब मैं इसको रिमोट की हेल्प से भी बना सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है इसको ओपन करके सब दिखाने लग गए थे और मुझे समझाने लग गए थे कि इसको ऐसे चलाना है कैसा क्या करना है क्योंकि वाकई में जो ये जो ट्राई है ना मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत था और आ, जो रिमोट था ना वो इसकी जान है और सब लोग इसको देख रहे थे और मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि वाकई में इससे अच्छा तो गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता और वाकई में उसने पूरी मेरी ज़रूरत का ध्यान रखा और बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आया मेरे लिए गिफ्ट तो मुझे सब लोगों ने दिए थे और क्या क्या दिए थे मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँ वैसे मैंने एक दो गिफ्ट तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा भाई टोटली इसको ओपन करके और हर चीज़ बता रहा था कि इसको कैसे चलाना है क्या करना है और उसने फ़ोन भी लगा दिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा रिमोट है इसी से आप खड़े खड़े बढ़िया चालू हो जाएगा फ़ोन और तो आपको कुछ नहीं करना होगा दूर से ही आप मतलब बिना टच किए ही काम कर सकते हो तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर गाइस फिर उसके बाद जैसे ही बर्थडे का सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि खाना पीना जो था वो सबको खिलाना था और वैसे भी मैंने जो दोपहर में, में मेरे हस्बैंड ने और मैंने सब्जी वगैरह सारी बना दी थी वेज भी बना था और नॉन वेज भी बना था बस केवल रोटियां ही बनानी थी तो बड़ी भाभी यहाँ पर रोटियां बनाने लग गई थी और मैं सिखवाने लग गई थी और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि छोटी वाली के हाथ में लगी हुई है और इसलिए उसकी कोई भी हेल्प लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं लगी हम लोगों ने खुद ही कर लिया था और यहाँ पर दोनों ही लग गए थे लेकिन आज का जो बर्थडे था गायज मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी आप एक तौर से बहुत ज़्यादा स्पेशल भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेकार भी कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं वैसे चीज़ें अच्छी ज़्यादा हुई थी और बेकार तो दो चार परसेंट हो ही गई थी लेकिन क्या होता है ना कि जब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं तो फिर एक दो परसेंट का कोई मायने नहीं रह जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो चुपती रहती हैं तो वो चीज़ है और गाइस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे क्योंकि जाहिर सी बात है कि खाने पीने में जब लगना होता है ना तो फिर भाई फ़ैशन शो नहीं देखा जाता है और वाकई में ड्रेस वग़ैरह कुछ ऐसी थी फ्रिल टाइप की तो उसमें तो काम होना ही नहीं था और वैसे भी नए जो न्यू ड्रेसेस होते हैं नए कपड़े होते हैं उनमें तो हम लोगों से काम बनता ही नहीं है और मुझे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं तभी मैं जल्दी जल्दी काम कर पाती हूँ और यहाँ पर ये जो है खाने के लिए बोल रही थी मतलब हेल्प कराने के लिए बोल रही थी तो हम लोगों ने मना कर दिया फिर गायद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब झुंड इकट्ठा था मतलब बच्चे इतनी सैतानी कर रहे थे वाकई में बच्चों का ये रहता है उन्हें कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ घर में फंक्शन हो चाहे कुछ हो लेकिन उनकी सैतानी बराबर से ही चालू रहती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था और हमें गर्मा गर्म सेक के रोटियाँ देती जा रही थी और यहाँ पर ये जो है ये अपना खाना पीना ले गया था <laughs> क्योंकि इसको भी भूख लग गई थी और फिर उसके बाद गैस जैसे ही खाना पीना हुआ सब लोगों को खिला पिला दिया था फिर यहाँ पर हम सब लोगों ने यहीं बैठ के खाना खा लिया था क्योंकि हम ही लोग रह गए थे तीनों लोग और तो सब लोग खा चुके थे और टाइम की बात की जाए गाइस तो टाइम तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग ही जाता है और वाकई में मैं अब मतलब मुझे बहुत समय हो गया था इन लोगों के जाने के बाद भी पर जो मेरी बड़ी वाली भाभी थी बहुत ज़्यादा काम मतलब हेल्प करा गई थी तो मुझे बाद में कुछ ऐसा ज़्यादा करना नहीं पड़ा था सारा काम वो करवा के ही गई थी बर्तन धुल के साफ़ सफाई करवा के सारी चीज़ें तो जब भी भाभी वग़ैरह आ जाती हैं तो फिर हम लोगों को थोड़ी बहुत तो खैर हेल्प मिल ही जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किचन को साफ़ किया जल्दी जल्दी सामान तो बहुत ज़्यादा फैल ही जाता है फंक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है ये तो सही बात है और उसको समेटना जो होता है वो हम लेडीजों को ही समेटना होता है गैस तो इसलिए हम दोनों ही यहाँ पर लग गए थे कि चलो जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लेते हैं क्योंकि जितनी जल्दी, जल्दी समेट जाएगा उतनी जल्दी भाई फ्री हो जाएंगे और वैसे भी एक से भले दो होते हैं तो जब भाभी ने काम करवा लिया था ना तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी सारी चीज़ें बहुत जल्दी फटाफट हो गई थी और फिर भी हम लोगों को ऐसा ही दस बज गया था काम करते करते और गैस बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे इतने बर्तन हो गए थे कि भाभी मतलब मुझे खुद लगने लग गया था कि भाभी सारे बर्तन धुलते धुलते थक गई होगी और मैं उससे यही बोलने लग गई थी कि तुमने बहुत सारे बर्तन धुल दिए तो वो यही बोलने लग गई कि कभी कभार का तो काम रहता है रोज़ रोज़ का थोड़े है लेकिन हाँ भाई उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी थी आप देख सकते हैं कि बर्तन कितने सारे बर्तन हैं अगर भाभी का हेल्प नहीं कराती तो मुझे तो और ज़्यादा समय हो जाता और फिर काम से सब फ्री हो गए थे और आप देख सकते हैं कि ये सब लोग जाने लग गए थे और इनको भी जाते जाते काफ़ी समय हो गया था और ये मेरी मम्मी भाभियाँ सब लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होने लग गई थी और मेरी जो बड़ी वाली नंद हैं वो पहले ही चली गई थी उनको मेरे हस्बैंड पहले ही छोड़ आए थे घर तो वैसे भी मतलब सबके पास ही पास में है ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन रात का जब समय होता है ना तो फिर ये लगता है कि भाई अकेले नहीं जाने देते हैं कोई ना कोई उन्हें छोड़ ही आएगा तो इसलिए मेरे हस्बैंड छोड़ आए थे और मेरे मेरा जो मायका है वो भी आप लोगों को पता ही है कि पास ही में है और यहाँ पर सब लोग आए थे जो तो भाई सब बैठ गए अपना अपना गाड़ी में और यहाँ टाटा बाय बाय सब चालू हो गया था और आप देख सकते हैं मेरे दोनों बेटे बाहर खड़े होके सबकी विदाई कर रहे थे तो गैस सब लोग जा चुके हैं अब अपने, अपने अपने घर और मैं भी अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ओके बाय बाय